वृंदावन में आज योगी आदित्यनाथ कुंभ बैठक का जायजा उद्घाटन एवं विकास योजनाओं का लोकार्पण करने आ रहे। वहीं 13 तारीख को भी रात के समय सपा के जिला अध्यक्ष ने अपने अंदाज में ब्रह्मऋषि देवराह बाबा का उद्घाटन उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के उद्घाटन करने से ही पहले एक दिन समाजवादी के जिला अध्यक्ष लोकमणि कांत जाधव ने पूजा पाठ कर एवं पूरी विधि विधान से फीता काट कर किया। इसका वीडियो हुआ सोशल मीडिया पर वायरल, जिसमें आश्रम के बने यमुना पर पुल एवं फीता काटते हुए उसके बाद यमुना पर बने घाट पर नारियल फोड़कर शुभारंभ करते हुए नजर आ रहे हैं। सपा के अध्यक्ष लोकमणि कांत जाधव का फीता काटते एवं नारियल फोड़ते जो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, उसके बारे में विधायक पूर्ण प्रकाश ने बताया कि यह विपक्षियों की चाल है और जबकि इस चीज से हमें कोई भी संज्ञान नहीं मिला है। मीडिया के द्वारा जानकारी होने पर ऐसा लगा कि उसके खिलाफ न्याय संगत कार्यवाही की जाएगी और देवराह बाबा के आश्रम पर जो आरती होगी उसकी सुरक्षा व्यवस्था भी बोली हुए कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आरती करेंगे, इसकी सुरक्षा को प्रशासन ने चाक चौबंद किया है, इसलिए विपक्षी दल सिर्फ हाईलाइट होने के लिए यह कार्य किया जा रहा है। एक वीडियो वायरल किया है और दावा किया है कि उनके द्वारा ही ये वीडियो बनाया गया। देखिए आज माननीय मुख्यमंत्री जी का आक्रमण मथुरा में हो रहा है, नियो थोड़ा नीचे करो कार्यक्रम है यहाँ पर मेला स्थल का कार्यक्रम है। एक वीडियो कल रात से आज सुबह से वायरल हो रहा है, उसकी जांच कराई जा रही है, जिसके द्वारा जिस तरह की जाएगी उसके विरुद्ध विधि सम्मत न्यायिक कार्रवाई। ठीक, थैंक यू।